हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं BSCAG फोर्थ सेमेस्टर का इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत टॉपिक स्वॉट एनालिसिस। मतलब क्या स्वॉट एनालिसिस क्या है? बिल्कुल सिंपल टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लेक्चर में लॉन्ग लेक्चर में स्टडी करेंगे। क्योंकि स्वॉट एनालिसिस टॉपिक ज़्यादातर पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जाता है बार बार। तो स्टूडेंट्स, वैसे आपने थर्ड सेमेस्टर में इसके बारे में एक बार स्टडी कर लिया होगा, लेकिन हम लोग फिर से इसे अच्छे से स्टडी किया जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और मीनिंग के बारे में समझें, मतलब इसके परिभाषा और उसके परिचय के बारे में। तो स्वॉट का मतलब होता है, स्वॉट जो है इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। मतलब चार टर्म से मिलकर बना हुआ है। एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी एंड टी का मतलब थ्रेट्स। तो चारों का मतलब अलग अलग होता है और चारों का एक बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये होता है। स्वॉट एनालिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, केयरफुली इंस्पेक्ट किया जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखरेख की जाती है किसी बिजनेस की और उसके इन्वायरमेंट की थ्रू द वेरियस डायमेंशन। कुछ डायमेंशन, कुछ अलग अलग फैक्टर्स के तरीके से, जैसे पहला स्ट्रेंथ क्या है उस बिजनेस की, उस बिजनेस की वीकनेस क्या है, उसमें उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उसमें क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या रोक लगेंगे। तो इन चारों के बारे में हम लोग देखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं चारों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंशन चारों के फैक्टर्स का जी। तो स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर। मतलब स्ट्रेंथ क्या है, यह एक कंट्रोल है एंटरप्रेन्योर का, जो क्या करता है किसी भी बेसिक एसेट, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है एडवांसमेंट, एडवांटेज प्रोवाइड करता है, मतलब ग्रोथ प्रोवाइड करता है और डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे समझिए, आपके पास किसी प्रकार की ताकत है तो वो ताकत आप यूज करके किसी भी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेंथ हुआ, तो स्ट्रेंथ से आप अपने आप को किसी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो है वीकनेस, किसी भी एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप का वह पॉइंट होता है जहां पर वो उस कार्य को करने से रोकता है, मतलब वह उस कार्य को रोकना है। जैसे आपके पास कोई कमजोरी है मतलब इस कार्य में, तो आप उस कमजोरी को जान के अपने बिजनेस में उसे कमी उससे हटा करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे किसी पर्सन का कोई पॉइंट है, जैसे वह याद नहीं कर पाता, उसकी क्षमता क्या है कि लर्निंग कैपेसिटी उसकी खराब है, तो वह उस कैपेसिटी को कहीं यूज करके, मतलब दूसरे तरीके से किसी दूसरे पर्सन को रख के या फिर कोई कंप्यूटराइज मशीन रख के वैसा यूज करके अपने जो कमी को दूर करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तीसरा जो पॉइंट है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या करता है, यह मोस्टली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, यह एंटरप्रेन्योर के हाथ में तो नहीं होता, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर है, यह एंटरप्रेन्योर के हाथ में होता है, लेकिन यह क्या करता है, एक ऐसा समय प्रोवाइड करता है, एक ऐसे समय कुछ कंडीशन प्रोवाइड करता है जिसमें क्या होता है कि आपका जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यम है, उद्यमी है, वह बहुत तेजी से विकास करता है अगर उस फैक्टर्स को यूज कर लिया तो। तो जैसे हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस पढ़ा, तो यह एक एंटरप्रेन्योर के खुद की इंटरनल कैपेसिटी थी, और जो अपॉर्चुनिटी है यह एक्सटर्नल कैपेसिटी है। एक्सटर्नल कैपेसिटी में अगला जो है थ्रेट्स, थ्रेट्स क्या होता है, तो ये भी बिना कंट्रोल में होता है, ये भी कंट्रोल नहीं होता इस पर एंटरप्रेन्योर का, लेकिन हाँ थ्रेट्स जो है यह वह सिचुएशन होता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने से यह रोकता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने से रोकेगा, इलिमिनेट नहीं करेगा, ओवरकम करेगा, मतलब इसे ओवरकम करेगा, हटाएगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो ये चारों पॉइंट्स के बारे में जब तक हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, इसके पॉइंट्स के बारे में जानेंगे तब तक हम लोग स्वॉट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कि चारों दिया है, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनल फैक्टर है, यह आंतरिक कारक है, उसका अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है वह वाह है कारक है जो कि वातावरण के द्वारा प्रभाव पड़ता है। कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में देखें, तो जैसे कि इसमें पॉइंट कुछ देखें कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो स्ट्रेंथ में जो जो आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वह क्या है कि आपके पास कोई किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के पहले से अवेलेबिलिटी होना, जैसे मान लीजिए किसी फार्मर को खेती करना है, तो खेती करना अगर उसके पास पहले से ही खेत है तो ये उसके पास बिल्कुल एक उसकी क्षमता है, मतलब उसकी एक स्ट्रेंथ है, पावर है। दूसरा एडिक्वेट प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसके पास क्षमता हो प्रोडक्शन करने की, जैसे किसी फार्मर के पास पहले से ही उसके पास न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो, उसके पास सिंचाई की क्षमता, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो,
तो ये भी एक उसकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद स्किल्ड मैन पावर, स्ट्रेंथ में मतलब जो मैन पावर है वहाँ पर, लेबर का जो वर्क है वहाँ पर स्किल्ड हो, सभी लोग जानकार हो, सभी लोग के पास अच्छा अच्छा ज्ञान हो, मतलब हर चीज के बारे में जानकारी हो। अगला गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है किस चीज की वह बिल्कुल अच्छी हो। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका लो कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका लो कास्टिंग आए, जैसे कि कोई भी प्रोवाइड करे हम लोग सस्ते में वो सामान उत्पन्न कर लें। उसका टेक्निकल एक्सपर्टाइज, जो एक मतलब शुरुआत में जो आपको एक्सपर्ट हैं वो टेक्निकल हो, उसके पास बहुत अच्छा ज्ञान हो टेक्निक का। उसके साथ गुड नेटवर्क विथ कस्टमर, कस्टमर से आपका नेटवर्क अच्छा हो, कस्टमर से आपकी हेल्प में जो हो वो अच्छी हो। उसमें मैनेजरियल एक्सपीरियंस, जो मैनेज कर रहा है, जो ऊपर से देख रेख कर रहा है उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो। लोकेशन गुड हो, अच्छे लोकेशन पर स्थित हो आपका फैक्ट्री। उसमें वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मतलब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो बहुत फैला हुआ हो। कंपेटिवली चीप प्राइस, जो आपका प्रोडक्ट हो रहा है वह और की अपेक्षा में सस्ता हो। और सुपीरियर टेक्नोलॉजी, और जो है आपकी जो टेक्नोलॉजी हो वह सुपीरियर हो। अगला जो हम लोग इसके वीकनेस के बारे में देखेंगे, मतलब इसमें क्या क्या कमियां हैं जिसे हम लोग सुधार करके अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो वह क्या है, पुअर डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है अगर खराब डिजाइन का है तो आपका प्रोडक्ट आपकी फैक्ट्री को गिरा सकता है या फिर कंपनी को गिरा सकता है, तो इसलिए पहले अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग अच्छा करिए। लिमिटेड प्रोडक्ट लाइफ, अगर आपके प्रोडक्ट की लाइफ खराब है, कम है, तो उसे अच्छा करिए। लो लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ स्टाफ, आपके जो कार्यकर्ता है स्टाफ है उनका मोटिवेशन अच्छा नहीं है, उनका लो लेवल है, तो ये भी आपके लिए एक माइनस पॉइंट है। अगला नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा प्रोडक्ट का आपके पास अवेलेबिलिटी ना होना यह आपकी कमजोरी बन सकती है। उसके बाद स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, धन की कमी, वीक सेलिंग इफर्ट, अगर आपके पास बेचने की क्षमता नहीं है। कंपेरेटिवली हाई प्राइस, अगर आपके पास जो प्राइस है आपका जो ज्यादा है। उसके साथ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वह पुरानी हो चुकी है, तो ये सब आपके वीकनेस में आएंगे। कुछ वीकनेस में और क्या, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर है वह अच्छा ना हो। शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड टेक्नीशियन, जो ट्रेंड टेक्नीशियंस हैं कार्य करने वाले उनकी कमी हो। लैक ऑफ प्रमोशन एक्सपीरियंस, किसी के पास अच्छा एक्सपीरियंस ना हो। साथ में लैक ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, सभी लोग एक साथ मिलजुल के कार्य न करते, तो ये सभी आपके माइनस पॉइंट या वीकनेस के अंतर्गत आते हैं, कमजोरी में आते हैं। अब हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर में अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, मतलब जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो फ्यू आर वीक कंपटीटर, मतलब आपके फैक्ट्री के या फिर जो आपके कार्य के जो कंपटीटर हैं वह कमजोर हो या फिर बहुत कम हो, मतलब आपके कंपटीटर ना हो। जैसे आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री बना रहे, स्थापित करने जा रहे हैं, तो उसमें कोई कंपटीटर ही नहीं होगा, कोई उसमें आपके साथ कंपटीशन ही करने नहीं होगा, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। उसका ग्रोइंग डिमांड, जो प्रोडक्ट आप पैदा बना रहे हैं उसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट बना रहा, एक सिंपली सा एग्री प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक प्रकार का अचार बना रहा है, मतलब पिकल बना रहे हैं, तो जब पिकल बना रहे हैं तो अगर उसकी डिमांड बहुत तेजी से है, जब बहुत तेजी से डिमांड होगी तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। उसके नो सच प्रोडक्ट इन द मार्केट, आप जैसा प्रोडक्ट बना रहे हो वैसा प्रोडक्ट मार्केट में हो ही ना, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगला फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट पॉलिसी निकालती है वह आपके पक्ष में हो, तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, आपके लिए पैसे की आसानी से उपलब्धता हो जाए, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी हो आपके पास। उसके साथ लो इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब आपको जो लोन मिले उस पर कम ब्याज लगे, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टास्क एनवायरमेंट, लाइक मार्केट इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट एंड मीडिया, मतलब क्या आपके पास मीडिया का कोई हो, या फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोडक्ट हो, या फिर मार्केट के बारे में जानकारी अच्छी हो, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कल्चरल एनवायरमेंट, आपके पास जो सांस्कृतिक सांस्कृतिक वातावरण है वह भी आपका अगर आपके फेवरेबल में होगा तो यह आपके लिए अच्छा बना सकता है। उसके साथ हम लोग थ्रेट्स की बात करें कि कौन कौन से अवरोधी हो सकते हैं आपके फैक्ट्री में, तो क्या हो सकता है, जैसे आपके कच्चे मटेरियल का दाम जो है वह बढ़ जाए एकाएक, तो यह आपके लिए थ्रेट होगा। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ पावर, वाटर एंड फ्यूल, पानी की कमी या फिर बिजली की कमी या फिर तो फ्यूल की कमी,
ईंधन की कमी, यह भी आपके लिए एक थ्रेट हो सकता है। उसके साथ रिजेक्शन ऑफ बाय द मार्केट, मार्केट के द्वारा आपका प्रोडक्ट लिया ही न जाए। जैसे आपको प्रोडक्ट उत्पाद बनाए, वो प्रोडक्ट क्या हो रहा, मार्केट में बिक ही नहीं रहा, तो क्या होगा, यह आपके लिए थ्रेट होगा, आपकी कंपनी को बहुत तेजी से डुबा सकता है। उसके बाद रिसेशन, मतलब आपका प्रोडक्ट रुक जाए, टफ कंपटीशन और बहुत ज्यादा कंपटीशन हो आपके प्रोडक्ट के लिए, मतलब जैसा आप प्रोडक्ट बनाओ वैसा मार्केट में कई प्रकार के प्रोडक्ट हो, तो आपका यह बहुत कष्ट है। उसके साथ नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, अगर प्राकृतिक आपदाएं जा रही है तो आपका प्रोडक्ट या फिर आपका कंपनी डूब सकती है। उसके साथ ही पायरेसी ऑफ स्किल्ड लेबर, मतलब जो आपके पास लेबर हैं उनके पास पायरेसी ना हो, मतलब वो ध्यान ना देते हैं। उसके साथ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मतलब जो राजनीति है आपके फैक्ट्री में, राजनीति होने लगे, मतलब आपकी कंपनीज के द्वारा राजनीति होने लगे, तो यह भी आपके लिए थ्रेट होगा। अगला क्लाइमेटिक चेंज, आपका जो क्लाइमेट हो वहां पर एकाएक बदलाव ले लें, तो यह भी आपके लिए एक थ्रेट होगा। उसका चेंजिंग कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके खरीदार हैं, ग्राहक हैं, उनका टेस्ट और प्रेफरेंस बदल जाए, तो यह थ्रेट होगा। उसके साथ स्मगलिंग, अगर आपके प्रोडक्ट की स्मगलिंग होने लगी, तो अगर प्रोडक्ट की स्मगलिंग होने लगी तो भी आपके कंपनी के थ्रेट्स होगा और आपकी कंपनी ऑटोमेटिक डूब सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमने बिल्कुल सिंपल से चारों टॉपिक पढ़ लिया, स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो स्टूडेंट्स, एनालिसिस कर लिया कि मतलब कौन कौन से फैक्टर क्या क्या कारक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर।